हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो आज है डे टू चैलेंज का। जो मैंने डे वन चैलेंज में एक्सरसाइज की थी, आज उससे डिफरेंट एक्सरसाइज होने वाली है और ऐसी ऑल्टरनेटिव एक्सरसाइज मेरी चलेंगी फॉर वन वीक। और वन वीक के बाद जो भी एक्सरसाइज होंगी वो चेंज करूंगा और आपके साथ मैं शेयर करूंगा, और मैं जो भी डाइटिंग करूंगा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो चलो जल्दी से चलते हैं अपने प्लेग्राउंड में। सबसे पहले हम वार्म अप करेंगे लाइक जंपिंग जैक्स, हाई नीज एंड क्रॉस टू टच। उसके बाद हम अपनी मेन एक्सरसाइज शुरू करेंगे। हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है इन्वर्टेड पुलअप। गाइस, मैंने थोड़ा जुगाड़ लगाकर एक्सरसाइज की है एंड इट इम्पैक्ट ऑन आवर बैक, बाइसेप्स एंड ट्रैप्स। कौन सी हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो है डायमंड पुशअप। और डायमंड पुशअप करने के लिए हमें दोनों हाथ ज्वाइन करके फिर पुशअप करने होते हैं, बट आई फेल्ड। मैंने दो तीन बार ट्राई किया बट मेरे से डायमंड पुशअप नहीं हो पाए। सो फाइनली आई ट्राइड कि मैं नॉर्मल पुशअप्स करूं। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है डेड बग। डेड बग कोर, स्पाइन एंड बैक मसल के लिए बहुत बेनिफिशियल है, और जिनकी बैक में पेन रहता है उनके लिए ये एक्सरसाइज बहुत इफ़ेक्टिव है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है प्लैंक जैक। और प्लैंक जैक में हमें नॉर्मल प्लैंक पोजीशन में आके फीट्स को इन एंड आउट पुश करना है, और इसका बेनिफिट हमें हमारे कोर को और बैक पेन को भी प्रिवेंट करता है। हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है वॉल स्क्वाट। वॉल स्क्वाट में आपको वॉल का सहारा लेके सिटिंग पोजीशन में बैठना है और जितना टाइम हो सके आपको उतने टाइम तक होल्ड करना है, और इसका बेनिफिट आपके ग्लूट्स को, काफ्स को और फ्रंट साइड ऑफ योर थाइस को होगा। और नेक्स्ट एक्सरसाइज है लंजेस। लंजेस में आपको फ्रंट लेग स्ट्रेट रखनी है और बैक वाली लेग को आपको ग्राउंड से हल्का सा ऊपर रखना है। लंजेस आपको कोर में, बट में एंड आपकी लेग्स में बेनिफिट करेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे स्टेप अप। स्टेप अप विल सेव योर लोअर बैक एंड इंक्रीज योर लेग पावर। हमारी आज की लास्ट एक्सरसाइज है ग्लूट ब्रिज। सो गाइस, डे टू की एक्सरसाइज यही सब थी। आप भी एक्सरसाइज कीजिए, आप भी हेल्दी रहिए। तो आज की जो ब्लॉग की एंडिंग होगी वो मेरा भाई करेगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। सब चैनल को सब्सक्राइब करके चले गुड बाय।